वंदे देव उमापतिशुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं ससिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूलिशशाङ्कवाग्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनासवरदं वंदे शिवं शंकरं। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोयोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। तो दर्शकों, एस्ट्रोयोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी महीने के मासिक राशिफल की। जनवरी महीना हमारा जो होता है साल का पहला महीना है, तो सभी दर्शकों को एस्ट्रोयोगी की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए जो यह नया वर्ष है मंगलमय और शुभ कामनाओं सहित बना रहे, ऐसी प्रार्थना में भगवान से करता हूँ। दर्शकों, मासिक राशिफल की आगे बात करेंगे ही, इससे पहले आप सभी लोगों से एक खास अपील, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का प्रयास भी करें, तथा आगामी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए हमारे बेल आइकन के बटन को पुश करना ना भूलें। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के अनुसार बनाया गया है। महीने की शुरुआत कन्या लग्न और तुला राशि में हो रही है। इस ग्रह की स्थिति के अनुसार आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंस और आपका बिजनेस किस प्रकार प्रभावित रहने वाला है, इस वीडियो में जानकारी देंगे। और यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मीन राशि, सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। हेल्थ के मामले में जनवरी के महीने में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, अग्नि है और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। अगर कोई इस क्षेत्र में कार्य करता है या इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को विशेष करके ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जलने आदि का भय जो होता है वो स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो निश्चित है कि आपका स्वास्थ्य जो है जनवरी के महीने में मैं काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ। आगे बात करते हैं आपके लव लाइफ और आपके दाम्पत्य जीवन की, शादीशुदा लाइफ की। लव लाइफ में भ्रामक स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं आप जो है विश्वास नहीं बना पा रहे हैं कि आगे जी मेरे पार्टनर अच्छा है नहीं है, मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। ये दोनों लोगों के लिए, जो नया रिलेशन भी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है। तो मुझे लगता है कि भ्रामक स्थिति से आपको बाहर आना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो आप अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हैं, तो निश्चित है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप क्विट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि द्वंद्वात्मक क्या होगा, आपके लिए वो चीज़ फ्यूचर में ख़राब हो सकती है, फ्यूचर में आपके रिश्ते को ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर शुरुआत में ही हम कोई स्टेप ले लेते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप वाला क्षेत्र रहता है वो अच्छा मधुर बना रहता है। आगे बात करते हैं जो हमारे शादीशुदा जो जातक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाग्य आपको साथ दे रहा है। आप लोग कुछ भी कर रहे हो कहीं ना कहीं भाग्य आपको साथ दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जब भाग्य आपको साथ दे रहा है तो उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। मतलब आपका भाग्य चाहता है आप दोनों लोग साथ रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि आप दोनों लोग जो है एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं। इस बात को जब आप समझ जाओगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कह सकते पीसफुल जो है बना रहेगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में सबसे पहले व्यापार पर बात करेंगे। व्यापारी वर्ग जो है आपके पिता से, या कह सकते हैं कि अगर दाम्पत्य जीवन आपका सासुर लाइफ है तो ससुर के पक्ष से भी कहीं ना कहीं आपके व्यापार में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यापार में जो कुछ समय से जो रुकावटें थी, जो कहीं ना कहीं स्थिर था आपका व्यापार, उसमें थोड़ा उनके सहयोग से, पिता या ससुर के सहयोग से जो है आपका व्यापार जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनवरी के महीने में आपका व्यापार जो है बहुत अच्छा, भाग्य का साथ भी जो है आपको पूरी तरीके से जनवरी के महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों का।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा समय जो है अलर्ट रहने का है, थोड़ा समय सावधानी बरतने का है। कोई दिक्कत नहीं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं बट आपके साथ वो लाभ नहीं है जिसके कहने का आप जो मतलब डिजर्व करते हो, जिसको आप रखते हो कि इतना लाभ मुझे हो जाना चाहिए था, बट अभी वो समय उचित समय नहीं है। और इस जब उचित समय ना हो तो हमें वहाँ पर कोई डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए, हमें चुपचाप काम करते रहना चाहिए। और जब हम ये करते हैं तो फ्यूचर में वो लाभ की स्थिति आपकी बनती है, मतलब जो डिजर्व आप करते हो जिस बेनिफिट जिस प्रॉफिट के लिए वो आपको 100% मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई नया डिसीजन ना लें, परिवर्तन का डिसीजन ना लें या कोई और अलग करने का डिसीजन ना लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे तो मुझे लगता है जनवरी के महीना भी थोड़ा सा निराशजनक उनके लिए रहेगा, निराशा वाला रहेगा। हो सकता है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े तब जाके उनकी जो है नौकरी मिल पाए। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंस की कि पैसे की स्थिति जनवरी के महीने में आपके लिए कैसे रहने वाली है। जो आपकी स्थिति बनती है जनवरी के महीने में फाइनेंस की वो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी का ज़मीन से संबंधित कोई पैसे रुके हुए थे, भूमि से संबंधित कोई पैसे रुके हुए थे, वहाँ से बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी जो धन की स्थिति वो मैं काफ़ी अच्छा देखता हूँ। हाँ, थोड़ा सा खर्चे में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और हो सकता है वो खर्चा और ना हो, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपका खर्चा हो, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अगर आप स्वास्थ्य का अलर्ट रहते हैं, अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो वो एक बड़ा अमाउंट जो है जो व्यर्थ जाता है वो आपका बचा रह सकता है। कुल मिला के धन की स्थिति आपकी जनवरी के महीने में सामान्य बनी रहेगी। तो दर्शकों, नए साल की शुरुआत में हम सभी लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे और ये चीज़ करेंगे। उन्हीं के अंतर्गत मैं आपको दो सुझाव देना चाहूँगा। पहला, मुझे लगता है कि थोड़ा आप जो है भ्रमक स्थिति में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कन्फ्यूज डबल माइंड। देखो, आपका जो राशि के स्वामी हो बृहस्पति है और मुझे लगता है कि आपके अंदर सारी चीज़ें हैं बट कहीं ना कहीं आप जब उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप कन्फ्यूज रहते हैं। इससे बचने के लिए आप किसी की सलाह ले सकते हैं और जब सलाह लेंगे तो आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे जीवन में, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा सकारात्मक विचार हो सकता है, सकारात्मक एक संकल्प हो सकता है इस चीज़ को आप अगर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा छोड़ने का, नकारात्मक सोच, क्योंकि आप जो है किसी भी पहलू को जो है सबसे पहले नकारात्मक चीज़ को सोचते हो। और ठीक है, सोचना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए, बट ये नहीं कि आप पॉजिटिव आपने थोड़ा सोचा, नेगेटिव आपने बहुत बड़ा सोच लिया, तो निश्चित है कि आप तो फिर आगे कुछ कर ही नहीं सकेंगे, कोई स्टेप आप ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा कि नकारात्मक विचारों को त्यागना है, अधिक जो आप सोचते हो उसको त्यागना है, तो आपके जीवन में एक सफलता की कुंजी बन सकता है, सफलता की एक चाबी बन सकता है। और आप बहुत जल्द और अपने लोगों से मतलब एक समय से अधिक आप जो है ग्रोथ जीवन में कर सकते हो, तो इस चीज़ का आप 2019 में संकल्प लें, प्रॉमिस करें अपने आप से। दर्शकों, जनवरी का महीना साल का पहला महीना होता है और यहाँ पर हम जीवन में सोचते हैं कि हम नए साल में कुछ अलग शुरुआत करना चाहते हैं या करेंगे, तो आपकी कुंडलिका के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इसकी इस चीज़ का परामर्श देने के लिए आप एस्ट्रोयोगी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझसे संपर्क करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल जनवरी मास का था, राशिफल 2019 की वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।